हरियाणा की आवाज में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल के कानून के साथ आंख मिचौली बढ़ती जा रही है। गैर जमानती वारंट लागू होने के बावजूद भी संत रामपाल आज भी पंजाब हरियाणा कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो वहीं संत रामपाल के अनुयायी उनके समर्थन में उमड़ आए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब कानूनी प्रक्रिया सबके लिए समान है तो फिर न्यायपालिका के आदेशों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा? कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ संत समर्थकों का उग्र प्रदर्शन कितना ठीक है, कितना जायज है? क्या संतों द्वारा कानून के फैसले को चुनौती देना, उसका मखौल उड़ाना जायज है? तो आज का हमारा सवाल यही है कि क्या संतों द्वारा कानून के फैसले को चुनौती देना जायज है और कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ संत समर्थकों का प्रदर्शन कितना उग्र है, कितना जायज आप इस प्रदर्शन को मान रहे हैं? तो इन सवालों को हमने उठाया है। हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। फोन उठाएं, हमें बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप संत रामपाल और न्यायपालिका में जो टकरार बढ़ती जा रही है। न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, उनकी पालना नहीं हो रही है, क्योंकि न्यायपालिका अपने आप में एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्था है जिस पर भरोसा जो है वो एक लोकतांत्रिक समाज में सभी को रहता है। ऐसे में संत रामपाल या उनके अनुयायी उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं, उसके आदेशों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है, अगर कानूनी प्रक्रिया सबके लिए समान है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ संत समर्थकों का उग्र प्रदर्शन आप कितना जायज मानते हैं? इन सब सवालों को आज हमने उठाया। जी हां, जब कानून प्रक्रिया सबके लिए समान है तो आखिर संतों के लिए उसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा? जब कानूनी प्रक्रिया सबके लिए इस देश में एक बराबर है तो फिर न्यायपालिका के आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा? शाहबाद से कॉलर हमारे साथ विमान जुड़ रहे हैं। विमान, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हाँ जी सर, बताएं। सर मेरा कहना यह है कि जो संत रामपाल जी के ऊपर ये केस चल रहा है जी, कोरोना कांड के बारे में जो केस चल रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच कराई जाए, तो वो तो कानून का फर्ज ये बनता है कि उनकी जो बात है एक बार डिस्कशन करें और उनके मतलब जो बात है सीबीआई से मतलब एक बार ये ओपन जांच करवाई जाए। तो ये मतलब जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आपकी सीबीआई से? उनका रामपाल जी का कहना ये है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या हमने कुछ कर्म किया है तो उसको मतलब साबित किया जाए और रीओपन केस किया जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिमान आपका इस राय को रखने के लिए। आप क्या सोचते हैं, कितना जायज ये कदम जो संत रामपाल और संत रामपाल के अनुयायी अपना रहे हैं? एक टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक समाज के अंदर बन चली है, न्यायपालिका वर्सेस संत रामपाल के अनुयायी और संत रामपाल। क्या ऐसी चीजें होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना जायज आप मानते हैं? इन तमाम सवालों को आज हमने उठाया हुआ है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमें फोन कीजिए। जी हाँ, तो कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ संत समर्थकों का ये उग्र प्रदर्शन कितना ठीक है और जिस प्रक्रिया की बात कही जाती है लोकतांत्रिक समाज में, यानी कोर्ट एक ऐसी संस्था, अदालतें एक ऐसी संस्था जिन पर सबको विश्वास होता है, लोग आखिरी जो दरवाजा है थक हार कर वो खटखटाते हैं, और ऐसे में अदालतें जब अपना फैसला सुनाती हैं उनका सम्मान करना भी अपने आप में उसका पालन करना भी अपने आप में बहुत जरूरी होता है। लेकिन संत रामपाल या उनके जो समर्थक हैं वो ऐसा नहीं कर रहे। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आप? अजय आवाज आ रही है आपको? नहीं जी। अजय सुन पा रहे हैं आप? नहीं मैं। अजय आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सर। चलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, लिहाजा बेहिचक आप इस मुद्दे को लेकर हमें फोन कर सकते हैं। आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। एक मुद्दा जो है आप आजकल में गरमा रहा है संत रामपाल को लेकर, हाईकोर्ट लगातार आदेश देता रहा लेकिन हाजिर संत रामपाल वहां पर नहीं हुए हैं। हर बार स्वास्थ्य का हवाला दे दिया गया, लेकिन आखिर कब तक ये चलेगा? कब तक न्यायपालिका की के आदेशों की इस तरह से अवहेलना होती रहेगी? कितना जायज आप इसे मान रहे हैं? फोन उठाएं, हमें बताएं। जी हाँ, सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल के कानून को ये चुनौती मानी जा रही है। जब कानूनी प्रक्रिया सबके लिए समान है तो फिर न्यायपालिका के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। एक बार फिर से वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ संत के जो समर्थक, उनका प्रदर्शन लगातार अब उग्र रूप लेता जा रहा है। सुबोध हमारे साथ हमारे अगले दर्शक,
तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? सुदेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, मैं राय रखना चाह रही हूँ। जो संत रामपाल जी हैं, इन्होंने हमारे महापुरुषों के ऊपर बड़े लांछन लगाए हैं, और जो क्रोथा में जो कांड हुआ था वो इनकी साजिश थी, और इनके ऊपर बिल्कुल जो आरोप है वो सत्य साबित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने हमारे महापुरुषों के ऊपर बड़े लांछन लगाए। बहुत शुक्रिया सुदेश जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुँचाने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मुद्दा जो है वो भी हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से ऐसे आप तक पहुंचा रहे हैं और बता भी रहे हैं। जयप्रकाश हमारे साथ इस बीच भिवानी से जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। बताएं सर। मैं ये बताने चाह रहा था जी कि जो ये हिसार के ये कोर्ट के अवमानना का जो केस है सर जी, ये जो है ना, ये कोर्ट के अवमानना का जो केस चला हुआ है, ये थोड़ा ये भी तो दिखाओ कि कोर्ट की क्या अवमानना की है इन संत जी ने, पता चले ये बाबा लोग क्या अवमानना कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका। एक कॉलर एक और हमारे यहाँ से जुड़ रहे हैं। नवीन, बहुत स्वागत है आपका। सर जी, ऐसा है, कानून सबके लिए बराबर बराबर है जी। ये साधु संत हुए या जो भी है, मैं ये नहीं कहता साधु संत है, कोई भी गलत व्यक्ति है, कानून का अवमानना करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है हिंदुस्तान का कानून है वो लागू होना चाहिए। इसी तरह हमारे एक महाराज जी, आसाराम बापू जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, यहाँ पर अपनी राय अब तक पहुँचाने के लिए। प्रवीण हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। प्रवीण जी, आवाज आ रही है आपको? प्रदीम चंद इस वक्त हमारे साथ, हमारे दर्शक। प्रदीम जी, बहुत स्वागत है आपका। बताए सर, क्या राय रख रहे हैं आप? प्रदीम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सुन पा रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं मैडम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रदीम जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें कृपया, उसकी आवाज सुनकर आप रिस्पांस कर रहे हैं इसलिए आपसे आगे बातचीत करना संभव नहीं हो पाएगा। खैर, अपने दर्शकों से एक बार फिर से हम ये अपील करना चाहेंगे, जिन दर्शकों ने अभी भी चैनल ट्यून ऑन किया है, एक बार उनके लिए मुद्दा समझा दें। क्या जिस तरह से संत रामपाल ने कोर्ट की अवहेलना की है, अवमानना की है, बार बार वो पेश नहीं हुए, समन जारी होने के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, तो ऐसे में क्या इस तरह की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उनकी तरफ से वो जायज है? तो ये हमारा आज का सवाल। ईश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, अगले कॉलर हिसार से हैं। ईश्वर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताएं। हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि भी ये रामपाल से पहले जो संत लगाया हुआ है ये सब ही गलत है, और क्योंकि ये जो है ना, आम आदमी भी जो है ना अवमानना नहीं करता कोर्ट की, और ये तो गुंडा राज है, एक जो है ना तानाशाही है जी, ये बिल्कुल गलत है, और इसको तो कभी का जेल में डाल देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास हमारे साथ, अगले दर्शक भिवानी से जुड़ रहे हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैम, ये आश्रम के जो अनुयायी है बार बार में सीबीआई की जो मांग करने लग रहे हैं, तो हरियाणा सरकार का फर्ज नहीं बनता कि भाई इनकी मांग सीबीआई मांग करवाई जाए? और जितने भी संत हरियाणा में वो सीबीआई मांग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि ये अनुयायी बार बार में बोल रहे हैं कि हमारी मांग सीबीआई करवाए, सीबीआई जांच करवानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्या संतों द्वारा कानून के फैसले को चुनौती देना इस तरह से जायज है, जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है? अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। अनंत, आप सुन पा रहे हैं हमें? अनंत, बहुत स्वागत है आपका। बताया सर, क्या राय रख रहे हैं आप? मैडम, इस केस को 2006 से चल रहा है, इसकी इस संत ने कई बार गई लगा ली है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या कारण है, या पिछली सरकार इसके माँ मिली हुई है, या ये सरकार मिली हुई है, आप क्यों डर रहे हो सीबीआई की जांच से? चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका। लिहाजा एक जैसी राय ही विकास पहले कॉलर जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको लेकर कई कॉलर्स ये बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या राय रखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका के आदेशों का जो पालना है वो नहीं हो रही है, और इस तरह से जो स्थिति टकराव की बनी हुई है वो कितनी जायज आप उसको मान रहे हैं? फैसले को चुनौती जो है, कानून के फैसले को चुनौती बार बार दी जा रही है, कितना जायज आप इस
घटनाक्रम को देख रहे हैं, किस तरीके से अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया आप रखना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। सुमित्रा हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर। सुमित्रा जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, हाँ जी, जी बताएं। हाँ जी मैम, बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? ये इसकी कोर्ट में पेश होना चाहिए जी, इसने बिल्कुल गलत किया है। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया सरायकम से साझा करने के लिए। समय समन मिलने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं संत रामपाल और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट। मनोज हमारे साथ जुड़ गए सोनीपत से, रेणु यहाँ पर। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हेलो जी मनोज, बताएं। हेलो सर, मैं बताना चाहता हूँ जो कुछ ये रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रहा है ये इनकी मिली भगत है, ठीक है। और जो ये केस बंद करने के लिए कह रहे हैं, खुद देखना चाहिए कि केस क्या हो रही, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। कपिल इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर, कपिल बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली से। बताएं सर, मैं ये केस सर मैं मतलब मानता हूँ कि जो कोर्ट की अवमानना का केस बनता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है जजों की मनमानी और सच बनाम झूठ पुस्तक, उसके अंदर सर जजों की मनमानियां देखी है मैंने कि ये जज क्या कर रहे हैं। जो ये जज कर रहे हैं मतलब अपने जो जो की केस बनता भी नहीं है जी। अभी ये जो सीआरओ सीपी का केस बनता है इसके अंदर मैक्सिमम सजा 1 से 6 महीने की है और इसमें ये बनता ही नहीं है, अनवेलेबल वारंट नहीं। ठीक है कपिल जी, लेकिन कम से कम कोर्ट के सामने एक बार पेश भी हुआ जा सकता है। कोर्ट सबको अपना पक्ष रखने का बराबर मौका देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने और उससे बातचीत के लिए। अगर कोई शख्स आरोपी है या सवालों के घेरे में, अगर कोर्ट उसको बुलाता है उसका पक्ष सुनने के लिए, कम से कम वो पक्ष देने के लिए उसे कोर्ट में होना चाहिए। महेंद्र पाल हमारे साथ कुरुक्षेत्र से अगले कॉलर जुड़ गए हैं। महेंद्र पाल जी बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र पाल जी आवाज आ रही है आपको? बताएं सर अपनी राय रखें आप। मेरी राय है जी, संत रामपाल जी ना स्कैंडल चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया कुलजीत हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक। कुलजीत बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं जी, इनका अभी कुछ दिन पहले भी जो करमथा आश्रम है रोहतक के अंदर, वहाँ भी इनका एक जो है प्रशासन के साथ जो है एक झगड़ा हुआ था जी। मैं ये राय रखना चाहता हूँ कि जो जब प्रशासन ने संत रामपाल जी को आदेश दे दिया है कि वो करमथा आसन जो है वो उन्हीं का है जी, उनके आग में फैसला सुना दिया गया है, उसके बावजूद भी वो आश्रम उनके पास नहीं जा पाया, उनका आश्रम पर कब्जा नहीं हो पाया, तो फिर से दोबारा मतलब संत रामपाल जी को कोर्ट में खींचने का मतलब क्या ये सिस्टम जो है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लिहाजा एक मिली जुली राय अब तक आ पाई है, कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं जी। रणधीर जी बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? सर मुझे तो इतना ही कहना है कि जी इन बाबाओं के पास ये पॉलिटिकल इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं, उससे सारा उन्हीं की वजह से ये माहौल खराब होता है, नहीं तो किसी की क्या औकात है। चलिए बहुत शुक्रिया रणधीर जी अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो मिली जुली राय रेणु अब तक हमारे पास आ पाई है, लेकिन ये राय लेने का सिलसिला हरियाणा की आवाज में यूं ही जारी रहेगा। मुद्दा बेहद अहम है, आपकी राय जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हूं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ, कैसा रहेगा आपका पूरा दिन, जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116450016 या फिर 1-8 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, एडवांस्ड कोर्सेज, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आपका एक बार फिर से स्वागत। बिल्कुल, और महेंद्र पाल हमारे साथ, हमारे के दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेंद्र पाल, बहुत स्वागत है आपका, आप बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे पर। जी मेरी राय ये है कि रामपाल, हेलो जी, जी बताएं सर, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी, मेरी राय ये है रामपाल जी ने उनका पालन करना सही है जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिसार से। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हाँ जी, हाँ जी बताएं सर। सर ऐसा है, जो अपने रामपाल जी ये संत है, इनके बारे में ये मुद्दा उठाया हुआ है, तो ये जिस तरह ये खुद कह रहे हैं अभी मेरी सीबीआई जांच की आई जाए जी, तो ना तो पिछली सरकार ने सीबीआई जांच कराई, और सभी संत सीबीआई जांच से डरते हैं, लेकिन ये खुद कह रहे हैं इनकी सीबीआई जांच क्यों कराने से सरकार क्यों डरती है, तो इनकी तुरंत सीबीआई जांच कराई जाए, आप सरकार को बोलो। चलिए बहुत शुक्रिया अशोक आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, तो आज जो सवाल है वो ये है कि समन मिलने के बावजूद संत रामपाल कोर्ट में नहीं पेश हो रहे हैं, संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है, तो क्या इस तरह आदेशों की अवहेलना जायज है? सुनील हमारे साथ अगले कॉलर है फोनलाइन पर। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, बताए सुनील जी। सर जी रामपाल जी भगवान है, और एक दिन ये सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। अगर आपको यकीन ना है ना, तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ ले, इसे 10 रुपए में खरीद कर। चलिए बहुत शुक्रिया। राहुल हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर है, रेनू यहाँ पर। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका। राहुल आप सुन पा रहे हैं हमें? राहुल अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चले लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि क्या संतों द्वारा कानून के फैसले को चुनौती देना जायज है। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आप? सचिन, ये कानून के विरुद्ध फैसला कर रहे हैं जी, और कानून संपत्त नहीं कर रहे ठीक है जी। हमने कुछ पुस्तकें लिखी, हमारे भक्तों ने इन जजों की पोल खोल रखी है। 3 पुस्तकें हैं, एक सत्यनाम झूठ, न्यायालय की गति गरिमा, और वरिष्ठ को मार्ग पर उत्तीर्ण होकर। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा सचिन। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सवाल आज ये है कि कानून प्रक्रिया के खिलाफ संत समर्थकों का उग्र प्रदर्शन कितना ठीक है, क्या संतों द्वारा कानून के फैसले को चुनौती देना जायज है, क्योंकि जिस तरह की अवहेलना की जा रही है संत रामपाल की तरफ से, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि न्यायपालिका की अवहेलना करना ठीक नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये उग्र प्रदर्शन उनके समर्थकों का कितना ठीक? इंदर सिंह हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए। इंदर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संत रामपाल जी ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ, इसके बावजूद भी फिर इतना मतलब जबरदस्ती क्यों की जा रही है? चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अलग अलग राय जो है अलग अलग तबकों द्वारा दी जा रही है, कुछ समर्थक भी हैं तो कुछ जनता ये मान रही है कि न्यायपालिका से ऊपर कोई है नहीं, कानून से ऊपर कोई है नहीं, लिहाजा न्यायपालिका में जाना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं,
जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताएं सर। सर ये जो अभी टीवी पे चल रहा है राम रामपाल जी का, जी सर इनकी सभी जांच क्यों नहीं की जा रही है? पिछली सरकार भी नहीं करवा रही, अभी भी नहीं करवाई, इनकी जांच होनी चाहिए ना सर। हेलो जी, बताएं सर, सुन पा रहे हैं आपको, आप बताएं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था ये सिविल जांच की मांग कर रहे हैं, बाकी के संत सारे डर रहे हैं, ये सिविल जांच मांग रहे हैं, उनकी सिविल जांच क्यों ना हो सर, सरकार को। चलिए बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या संतों द्वारा कानून के फैसले का मखौल उड़ाना ये जायज है? हमारे साथ हमारे अगले दर्शक प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नरेश हमारे साथ यहाँ जुड़ गए। नरेश जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज पे, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आज के इस मसले पर आप। जी मैं ये कहना चाहूंगा संत जो रामपाल है उनको कोर्ट के सामने उनको पेश होना चाहिए जी, ये गलत है, वो अवहेलना कर रहे हैं, नियमों के नियम तोड़ रहे हैं जी, ये गलत है, उनके समर्थक हैं जी। बहुत शुक्रिया नरेश आपका, तो नियम तोड़ा जा रहा है ऐसा भी दर्शक जो है वो कह रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाएं हमें बताएं इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो मामला आजकल गरमाया हुआ है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कानून के फैसले को, न्यायपालिका के फैसले को, न्यायपालिका के आदेशों की जो अवहेलना हो रही है उसको नहीं माना जा रहा है, कितना जायज इसको पूरी स्थिति को आप मान रहे हैं। पूरन चंद रतिया से हमारे अगले दर्शक, पूरन चंद जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ जी रामपाल जी को कानून से उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया पूरन चंद जी आपका, तो आप क्या कुछ राय रख रहे हैं? लगातार इसको टटोलने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा की आवाम क्या कुछ कहती है, लगातार एक मिली जुली कंसेंशस जो है वो लोगों की यहाँ पर दिखाई दी। कुछ का मानना है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है, पिछली सरकार ने भी सीबीआई जांच नहीं कराई, मौजूदा सरकार भी सीबीआई जांच के लिए उदासीन नहीं बनी रही, लिहाजा दूसरी तरफ का जो तबका है, जो दूसरी और जो जनता का रुख है वो ये कहता है कि हरियाणा माफ कीजिए जो संत रामपाल है उनकी जो अनुयायी है उनको न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना इस तरह से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो हरियाणा की आवाज में आज यही टटोलने की हमने कोशिश की कि आखिरकार क्या संतों द्वारा कानून के फैसले को चुनौती देना जायज है, क्योंकि संत बहुत सभ्य माने जाते हैं, संत ऐसे होते हैं जिनके समर्थक वो जो कहते हैं वो उसकी पालना करते हैं, लेकिन जब संत की तरफ से ही एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए, जब वो कानून की प्रक्रिया का पालन ना करे तो आखिरकार जो संत समर्थक है वो उपद्रवी हो ही जाएंगे, तो क्या ये जो प्रथा चल पड़ी है क्या ये प्रथा ठीक है? उग्र प्रदर्शन की तरह को टटोलने की आज कोशिश की हमने हरियाणा की आवाज में। फिलहाल हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही।